हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। तो गाइस, मेरा नाम है लविष्का जैन एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ जिन जिन टॉपिक से भी मैं रिलेट करती हूँ। तो इफ आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलना, क्योंकि वो आप करोगे नहीं तो आपको मेरे आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आएंगे नहीं। सॉरी फॉर दी फंबल। तो गाइज, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं ये पूरा वीडियो शूट कर चुकी हूँ बट मैं रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट करना भूल गई थी, तो मैं इसलिए थी थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रही हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया वीडियो शूट करते करते हैं, जो कि शूट हो नहीं पाई थी। तो छोटा सा TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, आगे आगे वीडियो में चलते हैं। तो जो आज का मेरा वीडियो है वो है इस कॉन्टोरिंग किट के ऊपर, जो कि मैंने मेरी लोकल मार्केट से परचेस किया था एंड आपको इजीली आपकी लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। एंड इसका लिंक अगर मुझे अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिला तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, क्योंकि ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि ये है मीनाओ ब्रांड का, इंडियन ब्रांड है ये। उसको मैंने परचेस किया था 200 रुपीज़ में, जिसके अंदर है 15 कलर्स, यहाँ पर पूरा मैंशन है। गाइज, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस पैलेट की लगी कि इस पे एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों दी हुई है, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा। एंड जो मेरा आई थिंक इसमें शेड नंबर आते हैं, तो मेरा जो पैलेट का शेड है वो है 01। एंड आपको दिखा देती हूँ, एक्चुअली मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी बार, तो ये थोड़ा सा मेस हो रखा है अंदर, आप देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट ये तीनों कलर्स एंड कॉन्टोरिंग के कलर्स यूज़ कर चुकी हूँ। तो गाइज़, पूरा इसका रिव्यू देने से पहले आप डेमो देख लो, उससे पहले आप डेमो देख लो, उसके बाद में इसका अच्छा खासा आपको रिव्यू देती हूँ। वो तो हो गई डेमो की बात है, एंड अभी आप देख सकते हो तो मेरे फेस पे कोई कॉन्टोरिंग नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि आपने डेमो में तो ऐसा दिखाया था एंड अभी आपके फेस पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अभी मेरे फेस पे कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं है। तो चलिए अब इसकी पिगमेंटेशन की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें एक हाइलाइटर है, ये पूरा ही जो पैलेट है वो क्रीम बेस्ड है, पाउडर बेस्ड नहीं है। इसमें एक आपको हाइलाइटर दिया हुआ है, दो कलर करेक्टर्स दिए हुए हैं एंड ये तीन कलर करेक्टर्स हैं, ये सारे कंसीलर हैं। फिर आप अपना कॉन्ट्रोलिंग कर सकते हो, 3-4 शेड्स हैं, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इसका पिगमेंटेशन बता देती हूँ, बहुत ही ईजीली बहुत सारा आपकी स्किन पे आ जाता है। जो इसका लास्ट शेड है आप देख सकते हो, मैं ऑलमोस्ट गड्ढा हो चुका है, ख़त्म होने वाला है वो मेरा शेड। तो गाइज, ये मैंने 4 शेड्स अपनी फिंगर पे ले लिए हैं। ये सबसे छोटा वाला है जो है अपना हाइलाइटर है, नहीं बाकी तीनों कॉन्टोरिंग के लाइट एंड डार्क शेड्स हैं। तो दिस इज़ हाउ द स्वॉचेज लुक लाइक, आप देख सकते हैं। इसका जो हाइलाइटर है वो बहुत ही प्रिटी सा है, मुझे इसका हाइलाइटर अच्छा लगता है। कॉन्टोरिंग का भी शेड काफ़ी अच्छा है, मतलब जितने भी इसमें सारे शेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे शेड्स हैं। मैं आपको एक दो शेड्स और दिखाती हूँ। ये जो शेड मैं आपको दिखा रही हूँ वो है कलर करेक्टर का, कलेक्टर बोल रही हूँ, तो ये है कलर करेक्टर का शेड। ये वाइट दिख रहा है बट ये वाइट नहीं है। मैं अभी आपको कॉन्टोरिंग पैलेट जो है वो बैक कैमरे से दिखा दूँगी। तो ये है इनका पिगमेंटेशन, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं ये कलर्स, मतलब जितने भी शेड्स हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, तो ये ना करें कि आप बहुत सारा ले लें,
बहुत कम लें, एंड इसका बस का सिर्फ मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा कि ये जो मतलब शेड्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा ब्लेंडिंग मतलब ब्लेंड करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपकी स्किन में जाते हैं। अदरवाइज और भी कोई और कोई भी मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं लगा। इफ़ आप बिगनर हैं तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ब्लेंडिंग भी चलो आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाएंगी अगर आप बिगनर हो तो, फिर आपको ऐसी मेकअप ट्यूटोरियल्स करने हैं, आपने यूट्यूब चैनल खोला है अपना तो, एंड आपको अपनी स्किल्स और परफेक्ट करनी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट एकदम आपको जो प्रोफेशनल वाला कॉन्टोरिंग किट चाहिए तो ये ना लें, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। एंड इफ आप प्रो हैं ब्लेंडिंग में तो फिर ले लें। मतलब परचेस किए हुए टाइम हो गया, जब मुझे कॉन्टोरिंग नहीं आती थी मैंने तब इससे करते 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 अब आप देख सकते हैं जो मेरा कॉन्टोरिंग का जो लास्ट शेड है ये वाला शेड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैंने इससे इतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग करी है यूज़ कर करके। तो आपको सीखना है तो आप इस पैलेट को ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी बुराई नहीं है इस पैलेट में, बस ब्लेंडिंग मांगता है ये पैलेट। एंड गाइज दैट्स इट, इफ आपको और कोई भी रिव्यू चाहिए हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड यस गाइज स्टे ट्यून्ड।